अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था ब्रेन की मेनिंजीज के बारे में कि ब्रेन के कौन कौन से मेनिंजीज होते हैं, यानी मेनिंजीज से मेरा ब्रेन के जो है वो प्रोटेक्टेड लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, यहाँ पे वो अपलोड कर दिया था टू पार्ट में। अब बात होगी आज सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बारे में कि वो किस तरह बनती है और किस तरह बॉडी में मूव करती है। अच्छा, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है क्या। वो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब CNS को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, CNS को। इसके अलावा बात आती है कि ये जो है एक्ट करता है एज अ कुशन, एक्ट्स एज कुशन। इसके अलावा इसके अलावा दूसरी जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक्ट एज अ कुशन। इसके अलावा ये है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कैनाल है, वहाँ पर ये मूव करता है। जब कोई जंपिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड में, एज अ डिस्क होता है ना, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में डिस्क होते हैं, अब कोई जंपिंग करते हैं हम लोग तो ये यहाँ पर नीचे यहाँ पर, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का ऐसा काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, मतलब इस तरह के बहुत सारे काम हैं इसके CSF के। मेन काम, जो मेन कंसर्न है हमें कि बॉडी में किस तरह सर्कुलेशन करता है, वो हमारा मेन काम है, वो देखते हैं। अच्छा, जो CSF है, मैं अगर यहाँ इस तरह है कि ये हमारे पास, ठीक है, फोर ब्रेन पोन्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोर ब्रेन पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब किस तरह होता है कि यहाँ पर है थैलमस, यहाँ पर भी है थैलमस, ठीक है, यहाँ पर भी थैलमस और यहाँ पर भी थैलमस है, लेकिन CSF जो बनता है ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स में बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स, ये ब्रेन वेंट्रिकल्स में बनते हैं। वेंट्रिकल्स होते हैं टोटल चार, ठीक है, ब्रेन वेंट्रिकल्स में बनते हैं, टोटल चार वेंट्रिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं पहले। इस तरह होता है कि ब्रेन के दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक हो गया, अब किस तरह वो देखो, ये है, ठीक है, ये यहाँ यहाँ इस तरह दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये इस तरह है, ये ठीक है, ये जो है ये एक और ये दूसरा, ये दोनों दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स आके एक फोरामिना की वजह से यहाँ पर खुल जाते हैं, वो क्या है बाद में बात करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आएगा, मतलब ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, उसके बाद ये पर इस तरह खुलने के बाद इस तरह आ जाता है, ठीक हो गया, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और ये जो है ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, ये जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल है। इसके बाद क्या होता है कि ये थर्ड वेंट्रिकल जो है थोड़ा तो नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये यहाँ पर इस तरह एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, दोबारा देखें क्या हुआ था, दो लेटरल वेंट्रिकल्स थे, लेटरल वेंट्रिकल्स नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल बना, थर्ड वेंट्रिकल से नीचे आते आते यहाँ पर आके एक्सपेंड हो गया। अब नीचे से यहाँ पर, नीचे से यहाँ से आ रहा है सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल नीचे से इस तरह आता है और यहाँ आने के बाद ये भी दोबारा क्या बन जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ वो देखना है। ये दोनों क्या थे, थर्ड, ये लेटरल वेंट्रिकल्स थे, ये थर्ड वेंट्रिकल था और ये क्या था, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, मतलब इस तरह हमारे चार जो है वेंट्रिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखें ये क्या है, ये इस तरह है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल था, थर्ड वेंट्रिकल यहाँ आने के बाद यहाँ तक थर्ड वेंट्रिकल है, लेकिन ये आगे जो एक कैनाल जा रही है ना, इसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल
एक्विडक्ट, मतलब अगर कोई पूछे कि थर्ड वेंट्रिकल किसके जरिए फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जवाब होगा सेरिब्रल एक्विडक्ट की वजह से। ठीक है, ये क्या है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल है, ये भी लेटरल वेंट्रिकल है, ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल आगे कन्वर्ट हो जाए सेरिब्रल कॉर्ट सेरिब्रल एक्विडक्ट में, और सेरिब्रल एक्विडक्ट किस में, फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये वेंट्रिकल्स जो हैं, इन वेंट्रिकल्स में एक चीज़ होता है, उसका नाम है कोराइड प्लेक्सिस। ये कोराइड प्लेक्सिस लेटरल वेंट्रिकल्स में भी है, थर्ड वेंट्रिकल्स में भी है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल्स में भी है। इन कोराइड प्लेक्सिस की वजह से CSF जो है वो बन जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये भी साले कोराइड प्लेक्सिस है। ठीक है, एक फूल नमा, ठीक है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कोराइड प्लेक्सिस है, और यहाँ पर भी कोराइड प्लेक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोराइड प्लेक्सिस है थर्ड वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल में भी यहाँ पर भी कोराइड प्लेक्सिस जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से CSF जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स था, यहाँ पर जैसे CSF बना, तो यहाँ पर एक फोरामेन है, इस फोरामेन का क्या नाम है। ठीक है, जैसे ही लेटरल वेंट्रिकल से जो है CSF बनेगा, उसके बाद जो CSF वो थर्ड वेंट्रिकल में किस तरह आता है, तो यहाँ पर एक फोरामेन है, उस फोरामेन का नाम है फोरामेन मोनरो। ठीक है, फोरामेन मोनरो, फोरामेन मोनरो की वजह से लेटरल वेंट्रिकल का जो CSF है वो थर्ड वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल में जैसे ही आएगा तो ये CSF नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, इस नीचे मूव करने के बाद, ठीक है, नीचे मजीद नीचे थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पर सेरिब्रल एक्विडक्ट होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद ये नीचे किस पे आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। फोर्थ वेंट्रिकल में यहाँ पर, ठीक है, एक फोरामेन है, वो उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि यहाँ पर क्या था, कि ये है, ठीक है, सबसे इनर में जो क्या है, यहाँ पर पाया मैटर है ना, पाया मैटर के ऊपर यहाँ एक और लेयर है ना, हम मेनिन्जीज की बात कर रहे हैं, पाया मैटर की बात कर, आर्कोनाइट मैटर है। ठीक है, ये है आर्कोनाइट या एयरकोनाइट मैटर, ठीक है, ये आर्कोनाइट मैटर हो गया। आर्कोनाइट मैटर के बाहर क्या था, आर्कोनाइट मैटर के बाहर जो है वो ड्यूरा मैटर था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्यूरा मैटर, ये हो गया ड्यूरा मैटर। ठीक है, मतलब तीन लेयर होते हैं ना, ये क्या था, ये है आर्कोनाइट मैटर, ये जो है पिया मैटर था, ये आर्कोनाइट मैटर, ये ड्यूरा मैटर, मतलब ऊपर से नीचे। अच्छा, अब किस तरह होता है कि यहाँ पर जैसे ही ये फ्लूइड पहुँच जाएगा से फोर्थ वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल में यहाँ पर हमारे पास एक फोरामेन होता है, इसका नाम है फोरामेन लुश्का। ठीक है, क्या है, फोरामेन लुश्का। ये फोरामेन लुश्का से जे यहाँ पर फोरामेन लुश्का है, लेकिन ये जो सेंट्रल कैनाल है ना, यहाँ पर भी ये नीचे एक फोरामेन है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह ये सेंट्रल कैनाल तक जो CSF जाती है, इस फोरामेन का नाम है फोरामेन मेजेंडी। इस फोरामेन का नाम क्या है, फोरामेन मेजेंडी। ये फोरामेन मेजेंडी से नीचे सेंट्रल कैनाल तक भी CSF जाता है, लेकिन यहाँ से CSF इस तरह मूव करती है फोरामेन लुश्का से। ठीक है, फोरामेन लुश्का से ये मूवमेंट करती है ऊपर इस तरह, ठीक है, ये नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है, ये इस तरह, ये फोरामेन लुश्का है, इसके बाद ऊपर जाती है, ये ऊपर जाती है, यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर जो आर्कोनाइट मैटर है वहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं, आर्कोनाइट मैटर के पोर्स की वजह से यहाँ पर, ठीक है, ये आर्कोनाइट मैटर है ना, यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं आगे, वो पोर्स की वजह से वो जो CSF है वो डिफ्यूज़ करके किस लेयर में चली जाएगी, इस ऊपर वाले लेयर का क्या नाम है, ये है, ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, जैसे ही ये आगे जाएगी, तो यहाँ पर ड्यूरा मैटर के दो लेयर है ना, एक एंडोस्टियल लेयर है और एक क्या है, मेनिन्जियल लेयर है, तो यहाँ पर दो लेयर में बना देता हूँ, एक एंडोस्टियल लेयर, एक मेनिन्जियल लेयर। जैसे ही मूवमेंट करके आगे जाएगी, तो यहाँ पर कुछ पोर्स हैं आर्कोनाइट मैटर में, वो मूवमेंट करके ड्यूरा मैटर में जो है CSF चली जाएगी। ठीक है, ये तो इसकी मूवमेंट हो गई, तो यहाँ से नीचे जैसे जाएगी फोरामेन मेजेंडी की वजह से ये सेंट्रल कैनाल में जाएगी। अब बात ही करते हैं कि कोराइड प्लेक्सिस आखिर है क्या, कि ये तो हमने सर्कुलेशन की बात कर ली ना, अब कोराइड प्लेक्सिस की बात करते हैं। जो कोराइड प्लेक्सिस है वो इस तरह है, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रेन सेल है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ब्रेन सेल है, और इसके नीचे मतलब वेंट्रिकल का है, मैंने एक पोर्शन ले लिया कि थर्ड है, फोर्थ है, मतलब या लेटरल है, कुछ भी है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है, ये है, ये क्या था, ब्रेन का एरिया था, ये कैविटी है मिसाल, ये ब्रेन का पोर्शन है,
ये कैविटी है। और ब्रेन के पोर्शन में ऊपर हमने कहा था क्या है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है ड्यूरा मैटर, ठीक है, ऊपर वाली बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ड्यूरा मैटर है, ये ब्रेन कैविटी है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये आती है सबसे पहले, ये ठीक है ड्यूरा मैटर है, याद रखना है ड्यूरा मैटर है। अब सबसे पहले पास हमारे पास जो है यहाँ पर कुराइडल आर्टरी आती है, ठीक है, ये कुराइडल आर्टरी जो है, कुराइडल आर्टरी जैसी आएगी तो यहाँ पर ये अपना एक गुच्छा दे देगी आर्टरीज का और कन्वर्ट हो जाएगी, निकल जाएगी किससे, कुराइडल वेन वेन बनकर। ये कुराइडल आर्टरी है, ठीक है, और ये कुराइडल वेन है, क्योंकि कुराइडल आर्टरी जाती है और कुराइडल वेन बनकर चली जाती है। और इतना याद रखना है कि इस जो कैविटी है, इस कैविटी में अंदर कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है एपेंडाइमल सेल, ठीक है, क्या नाम है, एपेंडाइमल सेल, मैं लिख देता हूँ, एपेंडाइमल सेल हो गया। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास, अच्छा ये क्या था कि ये कुराइडल आर्टरी ना, ये कुराइडल आर्टरी जैसी आएगी तो इसके नीचे पाया मैटर, ये जो पाया मैटर मैंने लिखा था ना ऊपर, ये जो है ये क्या है, ठीक है, सॉरी ये ड्यूरा मैटर है, नहीं नहीं ड्यूरा नहीं है, क्योंकि ड्यूरा तो नीचे वाला है ना, ये पाया मैटर होगा सबसे नीचे, ठीक है, अच्छा पाया मैटर है ये, पाया मैटर का पोर्शन जो है ये कुराइडल आर्टरी अपने साथ ले आएगा, अपने साथ, ठीक है, जैसे ही, क्योंकि ये ब्रेन कैविटी है और ये पाया मैटर ऊपर है ना, तो जैसे ही आर्टरी आएगी तो अपने साथ भी इसको ले आएगा, ठीक है, इसके अंदर ले, अपने अंदर साथ ले जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पाया मैटर है, ये पाया मैटर और कुराइडल आर्टरी जब दोनों मिल जाते हैं तो तब तब इनका नाम बन जाता है टीला कुराइडिया, ठीक है, और ये टीला कुराइडिया जब आगे मूव करके एपेंडाइमल सेल के साथ मिल जाता है तो इसका नाम बन जाता है कुराइड प्लेक्सिस, क्या, पाया मैटर, ठीक है, पाया मैटर प्लस कुराइडल आर्टरी, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसका नाम बन जाता है टीला कुराइडिया, टीला कुराइडिया। लेकिन जब इस टीला कुराइडिया में एपेंडाइमल सेल, ये जो एपेंडाइमल सेल है इनके साथ जब मिल जाता है तब इसका नाम बन जाता है कुराइड प्लेक्सिस, और तब ये CSF सीक्रीट करता है, सीक्रेटरी यूनिट बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर टीला कुराइडिया के साथ मैं क्या लिख देता हूँ, एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल्स, ये जब मिल जाते हैं तब इसका नाम बन जाता है CSF, ठीक है। दोबारा समझ लेना क्या था, दो लेटरल वेंट्रिकल्स थे, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल था, जैसे ही यहाँ पर CSF आ रहा था फोरामेन मुंडरो की वजह से थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा था, थर्ड वेंट्रिकल से सेरिबल एक्विडक्ट था वो फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा था, फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पर फोरामेन लुश्का था, फोरामेन लुश्का की वजह से ये CSF जो है वो ऊपर जा रहा था नीचे भी, और फोरामेन विजेंटी की वजह से सेंट्रल कैनाल में जा रहा था। CSF जब आगे में या नीचे ऊपर मूव करता है तो यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही इस इन दोनों मतलब इस मूव करने के बाद यहाँ पर आर्कोनाइड लेयर जो था, आर्कोनाइड लेयर में उसके बाद थोड़ा थोड़ा पोर्स थे, उस पोर्स की वजह से वो ड्यूरल मेटल में, ड्यूरल जो लेयर था ड्यूरा मेटल में, वहाँ पर ये मूव कर रहा था। सो इस तरह जो है CSF वो है वो मूव करती है टोटल ओवरऑल बॉडी में। सो दिस इज होल अबाउट CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड।